हेलो दोस्तों, कैमरामैन आमिर के साथ मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से अर्बन गाइड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास 32 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है जो फोर टाइम ब्लिंक में सोनी का एलईडी टीवी आया हुआ है। तो मॉडल नंबर देखने का कोशिश करेंगे, कैमरामैन मॉडल नंबर बता दीजिए। 32W672E 2018 की मॉडल है। आप देखना चाहेंगे इसी में मॉडल नंबर है 32W622 है और ये 672 है। ये सेकेंड वाला मॉडल ये टीवी है दोस्तों। इतनी प्रकार की ये मॉडल में आती है, 32 में, 40 में, 43 में, 49 में ये मदरबोर्ड आता है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये मदरबोर्ड इन्हीं 6 मॉडलों में मदरबोर्ड आता है। जिसमें 4 टाइम बिलिंग का प्रॉब्लम आए तो ये तरीका आप आजमाइएगा और क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, मैं आपको लाइव ही वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं आपको चालू करके आपको दिखा देता हूं कि इसमें 4 टाइम वीडियो में रेड ब्लिंक आ रही है। तो ये हमने चालू कर लिया दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 4 टाइम ब्लिंक आ रही है दोस्तों। तो हमने ये चालू किया, एक बार चालू हो जाती है और 3 से 4 सेकेंड लगता है दोस्तों चालू होने के बाद ये रेड लाइट में चली जाती है। ये बहुत नॉर्मली फॉल्ट है दोस्तों। देखिए कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, 4 टाइम में कर रही है, 1, 2, 3, 4 दोस्तों, 4 टाइम, 4 टाइम ब्लिंक में है, रेड लाइट जल रही है। तो रेड लाइट का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सोनी के एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रेड इंडिकेटर का सिंबल आने लगता है। जैसे कि हमें शरीर में कोई भी अंग में प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी पेट खराब है, तो डॉक्टर हमें दवा दे देता है तो हम कुछ दिनों में सही हो जाते हैं। उसी प्रकार से सोनी एलईडी टीवी बनाया गया है जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रेड इंडिकेटर जलने लगती है। तो आपको पता ही, हमारे पास इंडिकेटर का सोनी का ब्लिंकिंग कोड है। कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, सोनी का ब्लिंकिंग कोड है। 1 टाइम ब्लिंक करेगा तो सीपीयू खराब है, 2 टाइम करेगा तो पावर सप्लाई में, 3 टाइम करेगा तो रेगुलेटर खराब है, 4 टाइम करेगा तो पैनल में मदरबोर्ड में दिक्कत है, 5 टाइम टिकोन से होती है और 6 टाइम बैकलाइट का होती है, 7 टाइम टेम्परेचर हीटिंग, मदरबोर्ड में टेम्परेचर हीटिंग होने लगती है तो उसके कारण 7 टाइम में चली जाती है, और 8 टाइम ऑडियो आईसी खराब हो या फिर ऑडियो खराब हो तो 8 टाइम में चली जाती है। तो मैं आपको लाइव ही वीडियो रिपेयर करके दिखाऊंगा कि 4 टाइम का प्रॉब्लम क्या होता है, और ये मॉडल में ये प्रॉब्लम आए तो आप 4 टाइम में आप वीडियो देख के ही रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जो भी बनाता हूँ दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, कैमरामैन फिर से दिखा दीजिए उनको, 4 टाइम में अभी भी है, उसी तरह हमने चालू करके रखा था। देखिए दोस्तों, उसी तरह चालू करके रखा था, अब आएगा फिर से, 1, 2, 3, 4 दोस्तों 4 टाइम ब्लिंक है। वीडियो दोस्तों 10 मिनट के बजाय 15 मिनट हो जाएगी, लेकिन आपको जीरो से सीखने को मिलेगा। एक बार मेरा वीडियो जो देख लेता है वो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने एडाप्टर निकाल रखा है और इसके हम आईसी चेंज करेंगे दोस्तों, आईसी चेंज करेंगे। तो हम पहले मल्टीमीटर को 200 के रेंज पे सेट कर लेंगे। 200 के सेंड पे रखने के बाद मैं आपको आपकी तरफ मल्टीमीटर ही कर देता हूं दोस्तों। तो ये ब्लैक वाला वायर कहीं भी मदर पावर सप्लाई या चाहे मदरबोर्ड के ग्राउंड में या बॉडी के ग्राउंड में आप कहीं भी कर सकते हैं ब्लैक वायर को दोस्तों, ब्लैक वायर को कभी भी ग्राउंड कर सकते हैं। और ये रेड वायर जो है इसमें हम क्या करेंगे कि एडाप्टर लगा लेंगे। एडाप्टर लगाने के बाद ये पावर वाला बटन दबा देंगे, रेड इंडिकेटर आ गया। फिर इसमें चेक करेंगे दोस्तों कि ये 12 वोल्ट ये पैनल VCC पे आ रही है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे VCC वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ से VCC वोल्टेज डिस्प्ले पे जाती है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको मैं सावधानी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट अगर आता तो हमारा मदरबोर्ड ओके होता, डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती। तो डिस्प्ले में क्यों प्रॉब्लम होती, इसका 2 सिम्टम होता है। तो आपको चेक करने का है तो पहले ये क्या करेंगे कि एडाप्टर बाहर निकाल लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेंगे, कंटिन्यूटी यानी बजर मोड पे, बीप साउंड पे रख लेंगे।
तो बीप साउंड पे रखने के बाद ये दोनों को पहले सटा के चेक करेंगे, आवाज़ आ रही है ना। आवाज़ आने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि ये स्केलर का जो पैनल है अपना, इसका स्केलर का और पैनल जो VCC जाता है इसका, दोनों का कंटिन्यूटी रखेंगे तो बीप देगा दोस्तों, बीप दे रही है यानी हमारा कनेक्शन सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि मदरबोर्ड का VCC और अपना बॉडी का ग्राउंड को टच करके देखेंगे कहीं शॉर्ट तो नहीं ना हो गई है कि इसके कारण ये फोर्थ टाइम में जा रही है। कहीं कभी कभी होता है कि कहीं दोस्तों ये IC शॉर्ट हो जाती है ना, तो VCC और ग्राउंड के आपस में शॉर्ट होने के कारण भी फोर्थ टाइम में चली जाती है। तो हमने चेक किया ये VCC और ग्राउंड में टच नहीं है, टच होती तो बीप देता, तो हम क्या करते कि इसको IC को चेंज कर देते, तो लेकिन ये टच नहीं है तो हमारा फॉल्ट है सिंपल सा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। तो एक मॉड्यूल आती है मार्केट में 2596 के नाम से, ये ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलती है, आप चेक कर लीजिएगा। 2596 के नाम से मॉड्यूल आती है जो स्टेप डाउन का काम करती है। ये 1.2 से लेकर 24 वोल्ट इनपुट होता है और 12 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज करता है, 12 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है। तो आपको पता है ये फोर टाइम ब्लिंक का मतलब होता है पैनल प्रॉब्लम में, चार टाइम में पैनल पावर में होती है, तो पैनल पावर को 12 वोल्ट नहीं मिलता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें 3 वायर हमने पहले से लगा रखा है समय को बचत करते हुए, ये वही है दोस्तों 2596 ही है। तो इसमें क्या करेंगे कि इनपुट में 2 वायर लगाएंगे, आउटपुट में 1 ही वायर लगाएंगे दोस्तों, आउटपुट में 1 ही वायर लगता है। तो इनपुट में हम क्या करेंगे कि इसमें इनपुट में प्लस को VCC दे देंगे दोस्तों, प्लस को VCC दे देंगे। तो VCC देने से पहले इसको हम चेक करेंगे कि 19 वोल्ट कहाँ आ रही है। तो फिर से हम एडाप्टर को लगा लेंगे और मल्टीमीटर को DC रेंज पर रख लेंगे, फिर ये ग्राउंड बॉडी का कहीं भी रख लेंगे और रेड वायर को मल्टीमीटर को चेक करेंगे दोस्तों कि 19 वोल्ट कहाँ दे रही है। तो ये 19 वोल्ट देती है एडाप्टर के बगल में पहले। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये मल्टीमीटर पे एडाप्टर के बगल में 19 वोल्ट हमेशा रहेगा। ये रेड लाइट जल भी रही है फिर भी रहेगा, ड्रॉप नहीं जाती है ये। फिर उसके बाद ट्रेस किया जाता है कि ऐसे जा रही है, ऐसे आते आते आउटपुट में यहाँ आ रही है। तो फिर आउटपुट में चेक किया जाता है कि ये यहाँ आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रही है 19 वोल्ट, मदरबोर्ड में 19 वोल्ट हमेशा रहेगा प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे कि इनपुट का प्लस वायर यहाँ पे 19 वोल्ट लगाएंगे और एक माइनस वायर यहाँ सेकेंडरी में कहीं भी रख देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको आउटपुट कर लेंगे, एडाप्टर को मदरबोर्ड से निकाल लेंगे बाहर, और क्या करेंगे कि आयरन से दोस्तों इनपुट प्लस है तो 19 वोल्ट पे इनपुट दे देंगे इसका। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों, अगर इधर उधर हुआ तो मदरबोर्ड हैप्पी बर्थडे हो जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। और से इनपुट का ग्राउंड दे दिया हमने। देखिए दोस्तों, हमने इनपुट में 2 वायर लगता है, आउटपुट में 1 ही वायर लगता है, इसमें 4 ही वायर का कनेक्शन दिया रहता है, आउटपुट में 2 इनपुट में 2, लेकिन आउटपुट में 1 ही वायर बाहर निकाल लीजिएगा तो काम कर देगा। तो हम इसको पहले हटा लेंगे, आपको सेट करने का तरीका बता देंगे। हमने इनपुट का प्लस वाला VCC को दे दिया, 19 वोल्ट हमने इनपुट दिया, 19 वोल्ट इनपुट दिया और ग्राउंड को ग्राउंड आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि मल्टीमीटर को 200 रेंज पे तो हमने रखा है, फिर एडाप्टर को हम लगा लेंगे। एडाप्टर को लगा लेंगे तो इसमें ब्लू लाइट जल चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे कि इस पे प्लस पे प्लस आउटपुट का इसमें 2 वायर रहता है दोस्तों, तो 2 वायर बना रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें प्रीसेट बना रहता है, प्रीसेट को घुमाएंगे दोस्तों, गोल गोल घुमाएंगे। कहाँ गया हमारे, कोई भी पतली चीज़ों से दोस्तों घुमाना है तो हमें 12 वोल्ट पे कर लेना। देखिए दोस्तों, ये घुमाने से ये मल्टीमीटर को दोस्तों प्लस पे प्लस रखना है, माइनस पे माइनस रखना है, आउटपुट पे वोल्टेज दोस्तों आउटपुट पे वोल्टेज रखना है।
पहले इसको 12 वोल्ट पे सेट कर लेंगे, फिर वही 12 वोल्ट उठाकर VCC डिस्प्ले पे दे देंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले सेट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 9 वोल्ट पे हुआ है, कैमरामैन मल्टीमीटर पे दिखाइए, इसको गोल गोल घुमाना है दोस्तों फ्री सेट को। 8 वोल्ट हो रही है तो यानी दूसरी साइड घुमाना पड़ेगा, 9 10 10 हो गया, 11 हो गया, 11 वोल्ट 12 वोल्ट दोस्तों हमने 12.11 12 पे कर देते हैं, 12 ही कर देते हैं टोटली। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट हमने कर दिया, 12 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया। सेट करने का तरीका सबको सिंपल है, देखिए ये माइनस माइनस पे रखा है, प्लस प्लस को मल्टीमीटर को रख के और पहले हम सेट किए हैं। पहले आप सेट नहीं करेंगे तो ये मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। पहले आपको 12 वोल्ट के रिक्वायरमेंट है तो 12 वोल्ट आप इस पे दीजिए। अगर यही 3 टाइम बिलिंक में होता तो 5 वोल्ट का आवश्यकता होता, तो 5 वोल्ट पे इसको घुमा के हम कर सकते थे। 3 टाइम अगर बिलिंक में होता तो 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती। तो हमने 12 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे कि एडाप्टर को फिर एक बार आउट कर लेंगे। और इसमें एक वायर हमने पहले से बना रखा है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी आउटपुट के प्लस पे इसको जोड़ देंगे, आउटपुट के प्लस पे जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद आउटपुट का VCC दोस्तों, ये VCC है। तो दोस्तों VCC यहाँ बहुत पतली जगह है, तो ये VCC आते आते यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी 12 ही वोल्ट है दोस्तों। आप मैं यहाँ पे दूँ या फिर यहाँ पे दूँ, दोनों ट्रैक एक ही है दोस्तों, हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया था पहले ही। तो यहाँ पे दूँ या फिर यहाँ पे दूँ, 12 वोल्ट VCC के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे पेपर है, पेपर को निकाल लिया और फिर इसको चिपका देते हैं, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि फिर एडाप्टर लगाएंगे, एडाप्टर लगाया गया, ये ब्लू लाइट दोस्तों जल गई, फिर स्टैंड बाई में इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद अब तो रेड इंडिकेटर हट गए होंगे। देखिए दोस्तों टीवी चालू हो गई, 4 टाइम बिलिंक में था तो टीवी चालू हो गई। आप देखने का कोशिश करेंगे, मैं होम पेज दबा देता हूँ, इनपुट स्क्रीन मिररिंग। देखिए दोस्तों ये 4 टाइम बिलिंक में आया हुआ था, सिर्फ मात्र एक हमने स्टेप डाउन 2596 लगाकर इसको ओके कर दिया। जबकि दोस्तों कस्टमर का कहना था कि हमें ओरिजिनल काम करके दे देना, तो हमारे पास ओरिजिनल IC भी है, ओरिजिनल IC भी हम लगा कर दे देंगे। मैं आपको ये तरीका बताया कि बहुत से लोगों के पास ये IC नहीं मिलती है, तो हमारे पास IC है, मैं IC ओरिजिनल लगा के दे दूँगा। हमारे पास दोस्तों ओरिजिनल इसकी IC है, ये IC जल चुकी है, ये दोस्तों ये दिखाइए कैमरामैन, ये बगल में है दोस्तों, ये 6 पिन की IC है, वो जल चुकी है, वो ख़राब हो चुकी है। इसके कारण हमने आपको आसान तरीका बताया कि अगर IC आपको, ये IC है दोस्तों हमारे पास, दिखा दो, हम ओरिजिनल भी काम करते हैं, सस्ता में भी काम करते हैं दोस्तों। हमारे पास सेम IC है, ये रोल में है दोस्तों, गोल गोल सा रोल में बन के आया हुआ है, ये सब सारी IC है, सोनी के सारी IC है। ठीक है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि ऐसा IC है। तो हमने क्या किया कि ये कम पैसे में हमने इसको रिपेयर किया दोस्तों, ये हर जगह मार्केट में अवेलेबल है, 2596 के नाम से है, ये 2596 इस पे नंबर लिखा रहता है, वो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आप ये लेकर आप ये लगा सकते हैं, 4 टाइम बिलिंग के लिए डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है 12 वोल्ट का, तो आप ऐसा भी लेके लगा सकते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ख़त्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।